जीजा ने की साले के साथ मारपीट, घायल के परिजनों ने कही गोली मारने की बात, तो वहीं पुलिस और डॉक्टरों का कहना गोली के नहीं है कोई निशान। गुरुवार की दोपहर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बिछिया मोहल्ले में पारिवारिक विवाद के चलते बाबा भट्टी नामक सातिर अपराधी ने अपने साथियों आहत, सनम, जानू, मोटा पसीना और सानू के साथ मिलकर अपने ही साले फरीद खान पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। उसके बाद मौके से फरार हो गया। पारिवारिक विवाद के चलते कई तरह की बातें भी सामने आई। घायल के परिजनों ने बाबा भट्टी द्वारा गोली मारने का भी आरोप लगाया, लेकिन जब घायल को अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया तो उसके शरीर पर गोली के कोई निशान नहीं मिले। प्रथम दृष्टया पुलिस भी यही मानती है कि उसे गोली नहीं लगी। उनका मानना है कि लाठी डंडों से उसकी पिटाई की गई। फिलहाल घायल का संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है, आरोपियों की तलाश कर रही है। घायल फरीद और उसके जीजा के बीच पिछले काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और दोनों के बीच पहले भी मारपीट हुई है। ये दोनों आदतन अपराधी हैं जिनके खिलाफ थाने में कई मामले भी दर्ज हैं। हमारा भाई जाता रहा काम में तो सानू ने घेर के, सानू, मोटा और सनम, अहेद, नीरू, ये लोग गोली मार दिए। विवाद क्या था? पहले डंडा से मारे फिर गोली मारे। किसको मारे बहन को? गोली किसको लगी है? गोली हमारे भाई को लगी है, फरीद खान को। नहीं, विवाद क्या था? विवाद ये था कि जो बीसीएम कॉम्प्लेक्स बना है वहाँ कॉम्प्लेक्स में हमारी बहन लेटिंग वोटिंग जाती है, उसका भाई मोटा खान जो है, जानू, मोटा उर्फ जानू, वो हमारी बहन को छेड़ रहा था। तो हम लोग गए उससे गाली गलौज दे रहा था। 8 तारीख को हमारे घर वाली को भी हम उंगली मोड़ दिए, लपटे थे, तो हमने भी गाली गलौज किया। ये लोग चारों भाई आए पीछे से तो डंडा था और तलवार लिए थे तो मार दिए हमारे, लगा सर पे, हमारी बहन का लगा सर। हमने पुलिस को 4 बार भी फोन लगाया, पुलिस 100 नंबर रात के 4 बार आई, बोल रहे हैं कि साहब उन लोग को गिरफ्तार कीजिए घर में, विजयन, चंद्रशेखर, पवन, मुंशी, ये सब आए, उनके घर तक गए, उनको उनसे पैसा लेके और उनको अरेस्ट नहीं किया। हम बोले भी 4 बार 100 नंबर आई, हम बोले कि सर ये लोग तलवार लेके, कट्टा लेके रगेड़ रहे, हम लोग काम में नहीं जा पा रहे, इनको गिरफ्तार कीजिए। कोई पुलिस नहीं गिरफ्तार करी। अभी महिला थाना गए थे रिपोर्ट डालने तो महिला थाना से भी भगा दिए। डॉक्टर साहब से बात किया है तो बता रहा है अभी तक गनशॉट तो समझ में नहीं आ रहा, मारपीट की चोट अवश्य है। और ये घटना हुई है बिंदा कुआं, एक क्षेत्र है कोतवाली थाना अंतर्गत, वहाँ पे मारपीट हुई है। और इसका नाम है, इसको मारा है फरीद खान, और जो लोग मारने पीटने में नाम आ रहा है बाबा भट्टी और जानू उर्फ जानवाज, और उसके साथ 3 लड़के और। अब इसको हम लोग पूरा ग्राउंड करा रहे हैं जहाँ इनको गिरफ्तार करेंगे। और इनका कुछ आपसी पुराना विवाद है जिसके चलते विवाद किया है, घटना हुई है मार्केट में। और जो भी हम लोग जहाँ भी मिलेंगे गिरफ्तार करेंगे। और अभी इसका इलाज चल रहा है, डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसा ऐसा कोई खतरे वाली बात नहीं है अभी तक। फरीद खान पिता इनके हैं, अतीक 19 साल के हैं, बिछिया के रहने वाले हैं। इनको गोली की शिकायत में लेकर के आया गया था, इनके सिर में और पैर में चोट थी, खून बह रहा था, लेकिन प्रथम दृष्टया देखने के बाद गोली प्रतीत नहीं होती। अब अंतिम राय के लिए फिर एक्सरे से करवाए जाएंगे, हालत उसकी ठीक है, बहुत क्रिटिकल नहीं है, हमारे इलाज उसका चल रहा है।